हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 10-11 इंच है। 6 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डिपनेस हम 10 इंच रखेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है और बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम गले का शेप देंगे और अब हम इसे काट लेंगे। तो ये देखिए, हमने गले का को इस तरह से काट लिया है और हमारा गला कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से पहले फैला लेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे। हर जगह पिन अटैच कर लेंगे। और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से गले की सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर देखिए, अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए नीचे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए, बीच के गले के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। हल्का हल्का कोने पर कट लगाएंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए, अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए, हम ब्लाउज का कुछ पैटर्न का शेप देंगे इस तरह से। इस शेप को दोनों तरफ से हम ले आएंगे। और अब हम देखिए, पहले लैस लगा लेते हैं बीच में, फिर ये जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हम लैस लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, दूसरी साइड भी लेस लगाएंगे ऊपर से। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लेस लगा लेंगे। तो देखिए, हमने लगा लिया है। यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट बना लेंगे। तो देखिए, हमने प्लेट भी बना लिया है और ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।